नमस्कार, साक्षात्कार में एक बार फिर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह बेबाक सवाल होंगे और होगी मुद्दों की बात। आज साक्षात्कार में हमारे साथ होंगे कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और साथ ही साथ राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा है जो हर दम सक्रिय नजर आता है। जीतू पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास सेगमेंट साक्षात्कार का। सबसे पहला सवाल जीतू जी, जो जनता के जहन में है, क्या वजह है कि लगातार एमएलए बनने के बाद, विधायक बनने के बाद आपने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और आपकी सक्रियता ऐसी रही कि राऊ विधानसभा तक ही आप सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभर आया? नहीं, बात यह है कि जिस दौर में आम जनता ने मुझे चुना, उसके बाद मेरे मन में अपने आप है कि ये भगवान ईश्वर ये ताकत देता है कि मैं उस धर्म का निर्वाह करूं जिसने जनता ने इस विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की मुझ पर भरोसा किया जी। तो वो भाव हमेशा मुझ में जिंदा रहते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास विपक्ष की भूमिका निभाने का समय है, कल ये चला जाएगा, तो उस अवसर को मैं छोड़ूंगी। जीतू पटवारी जी, ऐसे तमाम राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि राऊ विधानसभा सीट को हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जीतू पटवारी के सामने उतारा जा सकता है। क्या तैयार हैं जीतू पटवारी हर चेहरे का मुकाबला करने के लिए? ऐसा है कि जहाँ तक आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि राष्ट्रीय महासचिव जी को मेरे सामने लाने की बात होती है अखबारों के माध्यम से जी, कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी है, 45 साल से ज़्यादा बड़ा उनका कैरियर है, कई बार मंत्री रहे, आज राष्ट्रीय महासचिव है, अवसर नहीं मिला शायद सांसद भी हो जाते। अगर उनकी 45 साल की पूंजी मेरे काम के मुकाबले या राऊ विधानसभा की जनता के विरोध में लगाना चाहते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी है, मैं उसको स्वीकार तो नहीं करता ये कह के कि अहंकार दिखेगा, पर मैं अपने काम को सराहता हूँ कि अगर इस तरह की बातें होती है इसका मतलब है मैं ठीक काम कर रहा हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ सब परिवार के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या पार्टी में जो काम करने वाले वो भी हमारे ही हैं, हमसे अलग कहाँ से आ गए, इस देश के हैं, हम सब मिलकर लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, सकारात्मकता से इंदौर शहर को बनाना चाहते हैं, तो कौन लड़ेगा किसके सामने लड़ेगा वो तो समय बताएगा, पर अगर ऐसी बातें होती है इसका मतलब है कि मैंने काम ठीक किया है और मुझे खुशी होती है। जीतू जी, ना केवल एक नाम बल्कि भारतीय जनता पार्टी में नामों की एक बड़ी फहरिस्त है, इन नामों की फहरिस्त को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस में राऊ विधानसभा सीट से एकमात्र जीतू पटवारी ही नाम नजर आता है, लेकिन भाजपा की बात करें तो विधायक रमेश मिंदोला, पूर्व विधायक जीतू जिराती, भाजपा के वरिष्ठ नेता और आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा सहित कई तमाम ऐसे नाम हैं। साथ ही साथ इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन के सुपुत्र मंदार महाजन का नाम भी इस विधानसभा सीट से भाजपा खेमे में चल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जो तमाम नाम हैं ये आपके सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे? लोकतंत्र में ये अहंकार कि मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, जनार्दन होती है। मैंने 5 साल चुनाव हारने के बाद और 5 साल चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में सेवा की है। मुझे ये नहीं लगता कि कौन लड़ेगा ये महत्वपूर्ण है, मुझे ये लगता है कि मैंने काम कैसा किया है उसके आधार पर लोग वोट करेंगे। तो मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने 18-18 घंटे अपने आप को तपा कर, अपने आप को समर्पित करके, सामर्थ्य से ज़्यादा सेवा कैसे होती है उसको करने की कोशिश की, और ये इस बात के लिए भी मैं इस आपका माध्यम यूज़ करूँगा कि एक परिवार का साथी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो चाहे मेरे को रोज गाली देने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा जिसने मुझे काम बताया और मैं नहीं कर पाया या मैंने नहीं किया या नकारात्मकता रखी, तो फिर मुझे जीतने का अधिकार नहीं है। मैं उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जो ये बता दे कि जीतू पटवारी को हमने ये बताया और हम ये नहीं किया उसने। मैं समझता हूँ कि फूल में फूल की पाखड़ी, अपने आप को जितना झोंक सकता था सेवा में करके मैंने कोशिश की और यही कारण है कि मैं पिछली बार के मुकाबले कई अधिक वोटों से मुझे प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा ही मैं समझता हूं कि ईश्वर को की इच्छा भी होगी। कांग्रेस पार्टी में ऐसी खबरें हैं, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि अगला लोकसभा चुनाव जीतू पटवारी इंदौर संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, इन बातों में कितनी है सच्चाई, कितना है दम? मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि पार्टी ने जब जब भी मुझे पहले जिला पंचायत लड़ाया, फिर पार्षद उससे पहले लड़ाया, फिर एक बार दो बार विधानसभा लड़ाया, एक बार मुझे मंडी का भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला,
तो मैं जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं हमेशा से पार्टी जो कहती है उस पर काम करता हूँ। पर मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि मेरी उम्र भी इस बात के लिए मुझे कहती है या आदेश देती है कि मुझे मध्य प्रदेश विधायक बन के मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहिए, क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहिए। और मेरा अंतर आत्मा से मैं प्रदेश के मध्य प्रदेश की जितनी कमियां हैं, जितना जो गति देखता हूं युवाओं की, जो किसानों की, जो अन्य 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 वर्गों की, वो चाहे गरीब हो, जो अंतिम व्यक्ति जो सत्ता के पीछे जिसका सबसे ज़्यादा सरोकार होता है उसकी हो, उन मुद्दों पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, इसलिए विधायक ठीक है। सांसद तो कोई सीनियर व्यक्ति को या नेता को बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ वही पार्टी के भी हित में होगा और इंदौर शहर की जनता के। कांग्रेस में एक ऐसी धारणा है, ऐसी चर्चाएं रहती हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। जीतू पटवारी अब न केवल शहर तक सीमित रहने वाला नाम है बल्कि प्रदेश की राजनीति का एक उभरता हुआ नाम है। ऐसे में क्या लगता है, क्या ये जो कहावत है जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वही कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का काम करते हैं, इन बातों में कितनी है सच्चाई? मैं तो इस बात को नहीं मानता। मुझे तो जब भी अवसर मिला, पार्टी का पूरा सहयोग मिला, कार्यकर्ताओं का मिला, नेताओं का मिला, और हर धर्मिता अद्भुत जिताने की, मैं समझता हूँ कि इस तरीके का और किसी का, मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसा, मेरे परिवार के लोग दिए हैं जो मुझसे नफरत नहीं प्यार करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप पर ऐसा भी आरोप है कि आपकी अफसरों से नहीं बनती, जब भी आप अधिकारियों से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो जनता का काम होता है लेकिन वो काम आसानी से नहीं होता और उंगली आपको टेढ़ी करना पड़ती है, क्या वाकई में जीतू पटवारी को उंगली टेढ़ी करना पड़ती है? ये बात बिल्कुल मैं नहीं समझता। मुझे खुशी है कि इस, मैंने कहा, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद जितने कर्मचारी अधिकारी, वो चाहे DM हो, चाहे हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हो, आगे बढ़कर मदद करने का की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इतने अच्छे लोग जो मुझे, मेरे भाग्य हैं, मेरे ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, मुझे सब मदद करते हैं और मैं सकारात्मकता से जब भी तो जनता के काम कर पाता हूं, नहीं तो कैसे करता। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तक कितने दुश्मन बने हैं जीतू पटवारी के? मुझे पता नहीं, मेरे तो दोस्त याद रहते हैं मुझे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि नकारात्मकता क्या होती है मुझे पता नहीं, सकारात्मकता ही मेरे जीवन का मूल ध्येय है। मैंने ये भी कहा कि रोज मुझे पसंद करे या नहीं पसंद करे, पर मेरा लोकतांत्रिक जो धर्म होता है, मैं पॉजिटिविटी से पूरा करता हूँ, व्यक्ति के प्रति भी और संस्था के प्रति भी। तो दुश्मन मेरा एकमात्र में ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसका मुझे एक भी नहीं दिखता है। मैंने कहा जीतू जिराती जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, तो दुश्मन का सवाल ही कहाँ उठता है, सब दोस्ती का और प्यार मोहब्बत का काम है। आप किसान परिवार से आते हैं लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ तो आप पर आरोप लगे कि आपने किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने के भी काम किया, इन आरोपों में कितनी है सच्चाई, कितना है दम? आप ये देखोगे कि किसान आंदोलन हुआ किन मांगों को लेकर हुआ। किसानों ने कहा कि आपने कहा था कि आप दुगनी आय कर देंगे, आपने नहीं की। आपने कहा था कि फसलों के दाम अगले साल आ जाएंगे, नहीं आए। आपने कहा आलू के दाम फिर बढ़ जाएंगे, नहीं आए। मैं विधानसभा के अंदर आलू की बोरी लेके गया, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। मैं कलेक्टर ऑफिस पर खंभे पर उठाकर आलू की बोरी लेके गया, कलेक्टर DM की टेबल पर रखी, पूरे प्रदेश में इस आवाज को बुलंद किया कि मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, नहीं दिया। आप देखो कि उसके बावजूद किसान आंदोलन करने लगे, 5-5, 6-6 दिन तक आंदोलन चला, मुख्यमंत्री का के कामों में जू नहीं रहेंगी। मेरे प्रति एक भी ऐसी बात जिससे हिंसा भड़काने का कोई तथ्य मिलता तो FIR करते, गिरफ्तार करते, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं तथ्य मिले, क्यों FIR नहीं किए? आपने, इसका मतलब था कि आपके पास नहीं था। मैं लोकतंत्र में उन मुद्दों के साथ, खासकर किसानों के मुद्दों के साथ मेरी जीवन की अंतिम सांस तक रहूंगा ही, पर लोकतांत्रिक तरीके से। हिंसा किसी भी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर किसान आंदोलन दबा या खत्म हुआ, कुचला गया, तो इन हिंसक लोगों ने ही कुचला जिनने हिंसा की थी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, 17-17 जनपद और जिला पंचायत के सदस्य निकले, मेरे विधानसभा के प्रश्न में उत्तर था। मैं आपके माध्यम से आरोप लगाता हूँ मुख्यमंत्री पर कि वो हिंसा भड़काने में मुख्यमंत्री का हाथ था और वो आंदोलन को कुचलने भी, हिंसा पर लोगों का ध्यान गया, प्रदेश का ध्यान गया, पर उन मुद्दों पर जिन पर किसान आंदोलित थे उन मुद्दों को दबा दिया गया। इसके पीछे एक साजिश थी। और रही बात, आपने एक आयोग बनाया था, उस आयोग में 3 महीने में रिपोर्ट आनी थी, आज 8 महीने हो गए, क्यों नहीं आई? इसके लिए कौन दोषी है?
क्यों सरकार छुपती और क्यों दबती है, क्योंकि असली चेहरे पता चल जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गांधी जी, महात्मा गांधी और भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी है। हमने सत्य, अहिंसा, परो धर्म के भाव से जीते हैं और इसी के साथ मर जाएंगे, पर हिंसा में का सहारा नहीं लेंगे। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाने की कोशिश की थी, पर जनता ने नकार दिया। जीतू पटवारी पर यह भी आरोप है कि उनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव से नहीं बनती और जब जब मौका आता है वो पॉलिटिकली डैमेज कंट्रोल करने में जुट जाते हैं। इन आरोपों में कितनी है सच्चाई? अरुण यादव मेरा भाई है, दोस्त है। राम जैसा लक्ष्मण को प्यार करता है वैसा वो मुझसे प्यार करता है। मैं और वो एक साथ पॉलिटिक्स में आए, कई बार कई अवसरों पर एक दूसरे की मदद की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मेरे नेता हैं। एक अवसर ऐसा जो मुझे कोई बता दे कि अरुण यादव जी के खिलाफ मैंने कोई वक्तव्य दिया, या एक अवसर ऐसा जो उनके आदेशों का पालना नहीं किया, मुझे नहीं पता कि करेगा। इस नाते इन बातों, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। अरुण यादव मेरे नेता हैं, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उसी पार्टी का विधायक हूँ, इस नाते उनके आदेशों का पालन करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से जीतू पटवारी की नजदीकियां अन्य नेताओं को खलती हैं। क्या जीतू पटवारी को इस बात का एहसास है? बाबरिया जी अभी नए प्रभारी बने हमारे प्रदेश के और वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनने जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद चालू की है वो काबिले तारीफ है। और जहाँ तक प्रश्न है कि जब वो, मैंने कहा कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति पसंद आता है, इस नाते वो मुझे जो काम बताते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ और वो सकारात्मकता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने इस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये हम सफल कैसे हों और उस पर काम। चलिए आखिरी सवाल, राहू की जनता के लिए क्या संदेश होगा उनके विधायक जीतू पटवारी का? क्योंकि ये राहू के विधायक, जो राहू की जनता है, यही वो जनता है जिसने वोट दिया, जिसके नाते जीतू पटवारी राजनीति में आज इस शिखर पर है। मैं पहले कई अवसरों पर इस बात को कर चुका हूँ, उसी बात को फिर दोहराता हूँ कि मैं आगे क्या बनूं, कौन सा चुनाव लड़ूं, कौन सा चुनाव जीतूं, कौन सा हारूं, ये अब महत्व कम रखता है। महत्व इस बात का था कि एक नया लड़का, एक परिवार का बेटा, जब एक बार चुनाव हार गया, दूसरी बार पार्टी ने उस पर भरोसा किया, अगर उस दौरान दूसरी बार हार जाता तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में वो जीवित रह पाता? नहीं रह पाता। तो मेरे राहू के परिवार के साथियों ने, वो चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी विचारधारा का मानने वाला क्यों ना हो, उसने इस वक्त मुझे जो पिछले 4 साल पहले आशीर्वाद दिया था वो मुझे जिंदा रखा राजनीतिक रूप से। मैं उनके पैर धो के भी पीऊँ तो कम है, और चूँकि उन्होंने इतने विकट समय में मुझ पर आशीर्वाद दिया तो मैं अंतिम सांस तक इस भाव को, इस सेवा को याद रखते हुए इस काम करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। जो कुछ भी मैं उनके कारण हूँ, मैं समझता हूँ कि इस बात को अगर मैं अंतिम सांस तक नहीं भूलूंगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा और इसी तरीके से मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। चलिए जीतू जी, हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। तो ये थे कांग्रेस के विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जीतू पटवारी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उनका अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव 2018 है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी कोई खास दिलचस्पी फिलहाल नहीं है, लेकिन राजनीति में एक सकारात्मकता के साथ, जनता की सेवा के भाव के साथ वो लगातार डटे रहते हैं और डटे रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए झंडा उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, फिर चाहे नेता कोई भी क्यों ना हो। देखना होगा कि आने वाले साल में किस तरह से राजनीति के शिखर पर जीतू पटवारी का नाम अंकित होता है और किस तरह से वो जनता की सेवा का भाव इसी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं। हमारे खास सेगमेंट साक्षात्कार में आज इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे तमाम विभाग सवालों के साथ, एक और नई हस्ती, नए व्यक्तित्व के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।